तो हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको भी बजाज फाइनेंस के यूज़र अकाउंट ब्लॉक है, जब भी आप बजाज फाइनेंस का वॉलेट बना लेते हैं लेकिन वॉलेट आपका जो है ब्लॉक हो जाता है, यूज़र अकाउंट ब्लॉकेड लिखा आता है, डियर कस्टमर यूअर अकाउंट हैज़ बीन ब्लॉकेड, और यहाँ पे कुछ टर्म्स ऑफ यूज़ का बताया जाता है जिस वजह से आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया। सो इस ब्लॉक को निकालने का प्रोसेस क्या है वो इस वीडियो में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब आप कर लेना। सो इसके लिए आपको जो है सबसे पहले तो अपना यहाँ पे बजाज फाइनेंस की एप्लीकेशन खोल लेनी होगी। यहाँ पे एप्लीकेशन इस तरीके से आपको सामने आ जाएगी, लॉगिन आपको कर लेना है। सो यहाँ पे आपका जो है वॉलेट वगैरह वाला ऑप्शन आ जाता है। अब यहाँ पे आपको मोर वाले ऑप्शन पे चले जाकर यहाँ पे आपको नीचे कुछ और ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सो यहाँ पे आपको हेल्प एंड सपोर्ट की एक ऑप्शन मिल जाती है, उसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आप जो है वेट करना, क्योंकि यहाँ से ये जो है हेल्प एंड सपोर्ट का कुछ पेज जो है डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। सो वेट कीजिए, जैसे आपका यहाँ पे ये डाउनलोड हो जाता है यहाँ पे आपके सामने जो है पेज खुलकर आ जाएगा कुछ इस टाइप से। सो आपका यहाँ पे जो है अकाउंट अगर ब्लॉक हो जाए तो आपको वीडियो केवाईसी करने के लिए ज़्यादातर केसेस में बताया जाता है। सो वीडियो केवाईसी के लिए आपके पास लिंक होना चाहिए। लिंक आपको जो है डायरेक्टली कस्टमर केयर से भी मंगवा सकते हैं, आप डायरेक्टली कस्टमर केयर को कॉल कर सकते हैं एंड उनसे जो है आप अपना लिंक मंगवा सकते हैं वीडियो केवाईसी का। बाकी यहाँ पे आप वॉलेट ऊपर सर्च करना है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो उसके बाद यहाँ पे चैट विद अस वाला ऑप्शन आपके सामने खुलकर आ जाएगा। इसमें भी पेज लोडिंग में थोड़ा सा टाइम लेगा, यहाँ पे इस तरीके से पूछेगा। सो यहाँ पे माय वॉलेट इज ब्लॉकेड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं इस तरह से आपके सामने जो है पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। सो फिलहाल यहाँ पे हमारा जो अलग इशू बता रहा है, सो आप यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन जो है आपकी आ जाएगी। सो इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे लिंक वगैरह यहाँ पे डायरेक्टली शो हो जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्टली वीडियो केवाईसी कर सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।